So let's begin, you know, with the entire leadership here. So we are Anuj and Shivani. We are Anuj and Shivani. हम लोग सेक्टर 77 नोएडा में रहते हैं. By profession, मेरा दिल्ली में ही बर्थ हुआ. मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली में हुई. और you know, मैंने रामजस स्कूल पूसा रोड से पढ़ाई करी. मेरी सारी एंटायर एजुकेशन दिल्ली में रामजस स्कूल पूसा रोड से हुई. उसके बाद मैंने किरोरीमल कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स की पढ़ाई करी. मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर्स में आरईसी इलाहाबाद से. पूरी इंडिया में मेरा 19th रैंक था. घर में हमने केवल पढ़ाई लिखाई का माहौल देखा, केवल पढ़ाई लिखाई का माहौल. हमने हर महंगी किताब देखी है, हर महंगी कोचिंग देखी है, लेकिन हमने महंगे खिलौने नहीं देखे. मेरी अकेली सिस्टर है, वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है. उन्होंने एमएससी फिजिक्स किया, उन्होंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस. और वो अपनी शादी से पहले यहाँ एमिटी में बीटेक के बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाया करता. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब हमें पहली बार जब हमारे कॉलेज के जूनियर ने, मेरे कॉलेज के दोस्त ने, कॉलेज के जूनियर ने बोला कि एक बिजनेस है आप सर, आप देखिए समझिए, तो मुझे ऐसा लगता था बिजनेस एक वो शब्द है जो दूसरी दुनिया के लोगों के लिए होता है. हमने केवल इन पढ़ाई लिखाई में जॉब करते हुए अपने कजन्स को, अपने कजन ब्रदर्स को, सिस्टर्स को आगे बढ़ते हुए देखा था. और यही कारण था कि हमें लगता था कि हम जॉब में आगे बढ़ेंगे. बट हम गॉड को हमेशा थैंक्स करते हैं कि उसने हमें सद्बुद्धि दी, हमारा दिमाग खुला रखा. जब कॉलेज का जूनियर घर पे आया तो मेरे फादर, क्योंकि घर पे थे, तो मेरे फादर का मानना है कि भाई कोई घर आया तो उसको निराश नहीं बता सकता. और इसीलिए हमारा बिजनेस शुरू हो गया, इसीलिए हम एमबे में आ गए. शुरुआत छोटी थी, इनसिग्निफिकेंट थी, लेकिन परमात्मा का दूसरा शुक्रिया इस बात का कि हमें जल्दी समझ लग गया. हमने जैसे जैसे सिस्टम में आए, यू नो सिस्टम में आना भी एक ऊपर वाले की मेहर होती है. अगर हमारी अगर ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी तो हम दूसरी बार मीटिंग में नहीं आएंगे. लेकिन हम दूसरी बार आए, हम तीसरी बार आए और हमें बात समझ लग गई कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा, वो क्या दिखाना क्या चाह रहा. और हमें इस बिजनेस का एंड रिजल्ट जल्दी नजर आ गया. इस बिजनेस से क्या पाया जा सकता है वो हमें ऊपर वाले की कृपा से दिखाई. हमारी शादी हुई, कुछ महीने में लगा रहा, अकेला बिजनेस में लगा रहा. शादी हुई, शिवानी के बहुत सारे सवाल थे, राइट? लेकिन जब एक बार शिवानी को क्लियर हो गया ये बिजनेस क्या दे सकता है, हम एक और एक ग्यारह हो गए. फिर कोई पीछे मुड़ के देखने का कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, केवल अब मेहनत करनी. सो बिफोर आई गो अहेड, लेट मी इनवाइट यू नो माई बेटर हाफ, ऑल बिकॉज ऑफ हर, यू नो कि आज हम दोनों यहाँ बैठ के आपके साथ बात कर रहे हैं, शिवानी. Yeah, so wonderful, great good evening to all of you, and wonderful good evening to all the future leaders. You know, मैं कुछ लोगों को यहाँ देख पा रही हूँ जो कैमरा ऑन है, एंड जिन लोगों का कैमरा नहीं ऑन है मैं उन सबको भी कहूंगी कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, तो जो स्पीकर है वो आपसे और यू नो रूबरू हो जाता है और उसकी अच्छी वाइब्रेशन आप तक पहुँचती है. तो अभी कुछ आने वाले कुछ जो आधा घंटा हम आपसे बात करेंगे, यू नो हमारा मकसद केवल आपको ये नहीं बताने का, हमारा मकसद आपको कुछ लेक्चर देने का नहीं है, हमारा मकसद केवल आपको यहाँ से होप देने का है कि जैसे आपने स्टार्ट किया है, यू नो आपके ग्रेट 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 लीडर्स हैं, यू नो आपने किसी कहने पर विश्वास बनाया, होप लिया कि यस कुछ हमारी लाइफ में बढ़िया होगा. आपने अभी शुरू किया है, कुछ लोगों ने कुछ समय पहले स्टार्ट किया है, हमने भी आज से कुछ साल पहले स्टार्ट किया है, हमने भी होप लिया कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो आज हमारा मकसद आपको वो होप देना है कि आप ही की तरह बहुत सारे, अभी हो सकता है यहाँ बहुत सारे नए लोग होंगे, उनके बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होंगे, आप ही की तरह हमारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे. बट यस, परमेश्वर की कृपा थी कि हमने अपॉर्चुनिटी को समझा और उसकी इतनी ब्लेसिंग थी कि हमने राइट डिसीजन लिया और आज हम कह सकते हैं हमारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था एमवे अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करना. सो आज हम आपसे कुछ समय जो बात करेंगे, हम यहाँ से केवल आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि यस हमने भी उस जर्नी में यू नो क्या क्या सफर में तय किया और हमारे साथ भी क्या क्या चीजें, यू नो मन में बहुत सारी चीजें आई लेकिन कैसे हमने उनको ओवरकम किया और आज हम लाइफ में क्या लीड कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, बिफोर आई गो अहेड आई वुड लाइक टू यू नो वॉर्म वेरी गुड इवनिंग टू अंजू दीदी एंड महेश भैया. यू नो आज बहुत दिन बाद आपको हम देख पा रहे, इतना अच्छा लग रहा है हम गैलरी पे आपको देख रहे हैं, यू नो बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज यू नो आई हैव सीन अंजू दीदी एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हर सिंपलिसिटी. यू नो
इतनी सिंपलिसिटी से वो सबसे ग्रीट करती है, मिलती है. यू ऑल आर सो सो ब्लेस्ड, यू नो. एंड आई वुड हार्डली यू नो वार्म वेलकम टू प्रिया दीदी, कमल भैया, यू नो. यस, इतना अच्छा लग रहा है आज, बहुत दिन बाद लग रहा है वापस से, यू नो, हम गालिब की मीटिंग में है, यू नो. यस, हम गालिब की मीटिंग में तो मिलते ही है संडे को, बट यू नो पर्सनली देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो. एंड गौरव भैया एंड डिम्पल, यू नो, यस, इट्स एन ऑसम ऑसम फीलिंग, यू नो. और आप सबसे भी, यू नो, बहुत सारे चेहरे में देख रही हूँ, हम आपको गालिब में देखते हैं, इतना अच्छा लग रहा है आपके चेहरे देखकर. और अगर आप इस समय शाम के टाइम पे बने हुए हैं तो आप पर भगवान की असीम कृपा है, यू नो. आप अगर इस अपॉर्चुनिटी में बने हुए हैं, बिकॉज ये तो गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम है. सोचो इस समय कहाँ पॉसिबल था कि नो रात के 9:45 बजे हम सब गेट टुगेदर कर रहे हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, अपने किचन में काम समेट करके. आई कैन सी लेडीज जो किचन में काम समेट कर तैयार बैठी, येस आई वॉन्ट टू लर्न मोर, येस आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, आई वॉन्ट टू हैव अ वंडरफुल फ्यूचर. ऑसम, वंडरफुल. सो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवानी है. कुछ अगर यहाँ नए लोग आए हैं तो मेरा नाम शिवानी है एंड बाय क्वालिफिकेशन मैंने MBA किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, और उसके बाद मैंने अलाहाबाद से लॉ की पढ़ाई करी है. मेरा आज भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है एज अ लॉयर, और मैंने अपना बिजनेस किया है. मेरी रियल बुआ, दे आर बिग एक्सपोर्टर्स इन बैंगलोर, तो मैं बिजनेस भी करती थी, यू नो, रेडीमेड गारमेंट्स का. एंड उसके बाद मैंने जॉब भी किया है, मैंने NIS में वर्क किया एज अ सेंटर हेड. और जब अनु से शादी हुई और मैं इलाहाबाद से नोएडा सेटल हुई, तो एक ही ड्रीम था कि यस, मुझे कॉर्पोरेट लैडर में बहुत आगे जाना है. और मेरे बहुत क्लोज कजिन ब्रदर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में, दे आर टॉप लॉयर्स, और शायद मैं उनको ज्वाइन करती, यू नो, लॉ फर्म को मैं ज्वाइन करती. बट कहते हैं ना, परमात्मा की हर चीज में, यू नो परमात्मा ने आपके लिए क्या सोचा है, कुछ बढ़िया सोचा है, और कैसे लाइफ में ट्विस्ट आता है आपको पता ही नहीं चलता है, यू नो. तो आई वॉज, यू नो, कि मेरे को तो ज्वाइन करना है, मुझे कॉर्पोरेट लैडर में बहुत आगे जाना है. पर जब शादी हुई तो मुझे ये पता था कि अनुज जी एमवे बिजनेस करते हैं, एंड बिलीव मी, मैंने केवल ये सोचा था कि ये करते हैं, इनको कुछ नया शौक चढ़ा है, ये अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं अपना लॉ ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, 6 महीना करेंगे फिर उसके बाद इनका छुड़ा दूंगी एमवे, है ना, ये भी जॉब करेंगे मैं भी जॉब करूंगी, लाइफ बिल्कुल सेट है. पता नहीं किन चक्रों में पड़ गए हैं ये. That was completely. और मैंने अपनी जॉब के दौरान, मेरी आगे फ्रंट डेस्क में रिसेप्ट जूनियर थी, उससे मैंने 2004 में एमवे का नाम सुना था. तो बस, और मुझे यही पता था कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना. तो आई वॉज राइट, जितना मुझे नॉलेज थी, जितनी इंफॉर्मेशन थी. और मैंने कहा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल, हम एमवे को बताएंगे कि तुम प्रोटीन पाउडर पियो, तुम डेली खाओ, तुम मल्टीविटामिन खाओ, है ना, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी. तो मैंने कहा बस 6 महीने के बाद सब छूट जाएगा और अपनी जॉब करेंगे. पर देखिए, कहते हैं ना, परमात्मा की कोई परम कृपा होती है, उसने हमारे लिए कुछ बढ़िया सोचा होता है. अनुज जी, मुझे सिस्टम मिलेगा. तो संडे का दिन होता था, और संडे के दिन जब काम होते थे घर के, तो यू नो अनुज कहते थे, नहीं मैं आके काम करा दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या कहते हैं गालिब की मीटिंग में चलना है, और मुझे क्या कहते हैं ले जाते थे, और मैं जाके वहां सो जाती थी. और क्योंकि मुझे तो करना नहीं था, मैं तो सो जाती थी. बट कहते हैं ना, फिर देखिए, हर चीज में अगर आपके स्टार्स अच्छे हैं, हर चीज में अच्छा होने वाला है. और जाते जाते एक दिन मेरी आंख खुली, और आज जो जिन लीडर्स को हम देख रहे हैं, अंजू दीदी, महेश भैया, प्रिया दीदी, यू नो, कमल भैया, है ना, हम सब इन सब लीडरशिप को देखते थे. एक दिन आंख खुली कि कहते हैं यार, ये तो अच्छा है यार, इतने विदेश की यात्रा भी मिलती है, इतने सारे लोग हंस रहे हैं, इतना पॉजिटिव एनवायरमेंट है, और लोगों के चेहरे पे झूठी हंसी नहीं है, यू नो, रियल हंसी है. इतना अच्छा लगा, और विश्वास है कि यस, तो करने लायक है. और फिर करना स्टार्ट किया. जब करना स्टार्ट किया तो केवल एक ही चीज मन में आई, अगर डिसीजन ले लिया है तो पीछे नहीं मुड़ना है. अगर आज आप हमको सुन पा रहे हो, यू नो, हम आपको एक ही चीज बताएंगे, बिफोर वी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स, हम आपको एक ही चीज बताएंगे कि लोग क्या होते हैं ना, करवट बदलते रहते हैं. डिसीजन लिया, कल डिसीजन रिवर्ट कर दिया, लेकिन हमने अगर पीछे मुड़कर देखे तो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं. फिर तो हमने आगे बढ़ने की सोची. एक बार डिसीजन ले लिया, देन जस्ट मूव ऑन. एंड आज लाइफ में क्या पाया है, यस, मैं अपनी जॉब से लास्ट 10 ईयर से रिटायर्ड हूँ. अनुज जी अपनी जॉब से लास्ट 4 ईयर से रिटायर्ड हैं. एंड
आज जो पीस ऑफ माइंड है, जो सिक्योरिटी है, दैट इज ट्रूली ऑसम. हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं, है ना, हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं. बिफोर हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे, यू नो, हम बयान नहीं कर सकते हैं कि जो आज पीस ऑफ माइंड और सिक्योरिटी है. एंड यू नो, आपको हम एक और खुशखबरी दें, यू नो, आप कितने बड़े बिजनेस में हो, आप कितने बड़े बिजनेस में हो, आपको बताएं, है ना. देखिए कि कितने, जब इस समय जब यू नो, यस, यू नो कि लोगों को फाइनेंशियल क्रंचेस भी रहते हैं, यस, जॉब में सैलरीज कट हुई है, या यू नो वॉट एवर द रीजन से भी, बट हम आपको बता सकते हैं इसी एमवे के थ्रू, यू नो, इसी एमवे के थ्रू, यू नो, हमने अपने एक और जो प्रॉपर्टी हमने ली थी, उसका जो लोन है वो भी ईएमआईज देकर हमने उसको कंप्लीट कर दिया थ्रू एमवे ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड. तो आपको हम बस ये बताना चाहते हैं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लगी है. यू नो, हम जिस मकान में रह रहे हैं, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी थी जिसका लोन चल रहा था. तो मैंने अनुज जी को बोला कि अनुज जी, अभी तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ईएमआई नहीं देना है, तो अच्छा है ईएमआई नहीं देते हैं. और बाद में पता चला कि गवर्नमेंट ने बोला ईएमआई तो नहीं देना है, बैंक ने बोला ईएमआई तो नहीं देना है, लेकिन 3 महीने बाद विद इंटरेस्ट चार्ज करेगी. बाद में ये मालूम पड़ा, मैंने कहा नहीं नहीं फिर तो करना है, वो तो हमारे पास तो कैश है, हमें तो दिक्कत ही नहीं है, तो हमने फिर ईएमआई दी. बट आपको हम आपको ये नहीं बताना चाहते हमने क्या पाया, हमने क्या, हम अपने आप को वो नहीं बताना चाहते. हम आपको बताना चाहते हैं इसका पोटेंशियल कितना है ना. हम आपको बताना चाहते हैं कि कितना ह्यूज पोटेंशियल है कि हमने इस कोविड के दौरान अपनी ईएमआईज भी दी, यहाँ तक कि हमने अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स भी वापस लिए. वी कंप्लीटेड द कंप्लीट लोन, यू नो, एज ऑफ टुडे. सो दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस, है ना. एंड जस्ट वी स्टे फोकस्ड, एंड आप आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ऑसम है. तो मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो है, आप इस वीडियो में आप हर जगह अपने आप को देखिए. हम आपको बताएं, जब हम गालिब के ऑडिटोरियम में बैठते थे और जब हमें चाइना का वीडियो दिखाया गया कि चाइना में लोगों ने इतने मजे किए, तो हमारी आंखों में आंसू थे. वी हैड टीयर्स इन आवर आईज. तो शायद आज आप इस वीडियो में अपने आप को देखिएगा और जिसकी आंखों में आंसू आ गए, फ्यूचर उसका है गाइस. ओके, तो हम चलेंगे क्विकली एंड लेट्स सी दिस वंडरफुल वीडियो. Thank you.
Thank you.
वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. नो, आप आपने अपने आप को देखा है, हमें थोड़ी देखा, आपने तो अपने आप को देखा. वंडरफुल. सो गाइस, थोड़ी देर बात करेंगे क्या किया इस सब के लिए, इस सबको पाने के लिए, क्या किया, क्या छोड़ा, क्या किया, कैसे किया, किन चीजों पे फोकस किया. क्विकली, यू नो, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताऊंगा. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी पेन ले लें, अब कोई टीचर्स नहीं है, हमने इस सिस्टम से जो सीखा है वही आज आपको देने वाला. नो, वी आर नॉट टीचर्स, आज भी हम सीख रहे हैं. आज भी हम दो दोस्त बना के आए, आज भी हम एक यू नो मार्केट गए थे छोटे से काम से, दो दोस्तों को, दो दोस्त नए दोस्त बना के आए. भाई साहब आपका चेहरा जाना पहचाना लगा. एक भाई साहब की अच्छी कार थी, मैंने कहा डीजल है पेट्रोल, कहते डीजल, मैंने कहा खुश हो, कहते हैं खुश है, खुशी से नंबर दे दिया. मजा आता है इसमें, है ना, इट्स फील्स ग्रेट, यू नो. सो लेट्स वॉक क्विकली थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, आप हमारे साथ रहिएगा. सेक्टर 62 में मकान खरीदा था 2003 में, और जब बिजनेस में आए और शादी के बाद जब शिवानी के थोड़े सवाल हल होने शुरू हो गए, तो हम हर महीने 100 पीवी करते थे. अपना सिस्टम बताता था, अपलाइन बताती थी, हर महीने 100 पीवी करना. तो मेरी सैलरी बाद में आती थी, 100 पीवी पहले घर में आता. और क्योंकि यू नो सही चीजों में पैसा इन्वेस्ट करते थे, बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट करते थे, ड्राइवर को सैलरी देने में पैसा लगाते थे, फुल टाइम बेड में पैसा खर्चते थे. तो इसीलिए देखिए, ये मैरिज एनिवर्सरी जब हमारी थी, तो मैं केवल शिवानी को एक गुलदस्ता ही देता था, क्योंकि मुझे मालूम था 2 साल बाद हर साल मैरिज एनिवर्सरी बाहर सेलिब्रेट करेंगे. क्योंकि 2 साल हम मालूम है, शायद ही हमने कोई यू नो कोई मैंने शिवानी के लिए कोई नया सूट बनाया, कोई नए कपड़े हमने बनाए, कोई हमने कोई एक्स्ट्रावेगेंट पैसा खर्चा हो शादी के पहले 2 या 3 साल. लेकिन हर महीने 100 पीवी 1 तारीख को घर में आ जाता. और इसलिए शुरू में यू नो थोड़ी दिक्कत होती थी, यू नो, क्योंकि उसके सवाल होते थे, तो वो थोड़ा सा यू नो है ये क्या, ऐसे कैसे. लेकिन अगर आप भरोसा रखेंगे अपनी अपलाइंस के ऊपर, भरोसा रखेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट भरोसा रखेंगे आप अपने ऊपर, तो जीत तो आपकी निश्चित है, जीत आपकी तय है. हमने करते गए काम, करते गए, चलते गए, और अब देखिए, तो सबसे पहली चीज है, हम देखेंगे क्यों कुछ लोग ही केवल कामयाब, व्हाई फ्यू पीपल सक्सीड, व्हाई फ्यू पीपल सक्सीड. तो देखिए, बेसिकली सबसे बड़ी बात है, अगर आपका कोई ड्रीम स्ट्रांग है, अगर आपका कोई रीजन स्ट्रांग है, तो फिर कोई चीज आपको हिला नहीं सकती. लोग कहाँ पीछे रुक जाते हैं, लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो लोग दूसरे लोग उनके ड्रीम को चुरा लेते हैं, उनको डाउन करते हैं कि आप कर नहीं सकते हो, आपके साथ ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और हमारा ड्रीम, हमारा रीजन स्ट्रांग है कि नहीं हमको तो ये चीज लाइफ में चाहिए, तो अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन आप खड़े रहोगे और आप एक दिन अपने ड्रीम को अकम्प्लिश कर लोगे, है ना. दूसरी चीज, लोग क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज वो कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें उनको पीछे छूट जाती है. अभी अनुज आपको दिखा रहे थे गुलदस्ते वाली फोटो दिखा रहे थे, वो हमारा पहला वाला, हमारा दूसरा घर था जहाँ हम रहे 10 साल, यू नो. तो हमें याद है कि यू नो जैसे अगर दीवार पे सीलन आई, तो दीवार पे सीलन आई, हमको पता था कि अगर हम प्लम्बर लगाएंगे, अगर हम क्या कहते हैं काम छिड़वाएंगे, और उस समय क्या कहते हैं बहुत सारा टाइम हमारा लग जाएगा एंड हमको प्रेजेंट भी रहना पड़ेगा. तो हम क्या करते थे, यू नो, हम वहां पर पलंग लगा देते थे ताकि वो दिखाई नहीं देगा. और अपना फोकस ये था कि नहीं, हमने प्लैटिनम करना है, नहीं हमने बिजनेस को आगे ग्रो करना है. तो हमने क्या किया, हमने जो पहले इंपॉर्टेंट चीज है हमने उसको पहले रखा. बिलीव मी, हमने कितनी बार, आई स्टिल रिमेम्बर टिल डेट, कितनी बार मोबाइल के बिल पे हमने 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, क्योंकि शायद नहीं कर पाए, बैक टू बैक प्लान हो गए, बैक टू बैक मीटिंग्स हो गई, सेमिनार आ गया, नहीं टाइमली बिल पे कर पाए. और अनुज जी से मैं बोलती थी, अनुज जी देखो फिर 100 रुपए लग गया, अनुज बोलते थे कोई बात नहीं. लेकिन हमने पहले बिजनेस को रखा, पहले हमने वो 100 रुपए कितनी बार लग गए हार्डली मैटर, लेकिन अगर एक बार ट्रिप ले लिया, एक बार बोनस आ गया, सब बराबर हो गया, है ना. सो लोग जो है अपनी लाइफ में
जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें उनको पहले रखते हैं। हमें हमेशा फोकस करना है पहले हमारा ड्रीम, हमारा करंट बिजनेस, हमारा प्रेजेंट प्रोफेशन, हमारे बच्चों की पढ़ाई और हमारा करंट हमारा बिजनेस, उसके बाद आती है बाकी चीजें। तो सेट योर प्रायोरिटीज, है ना। जर्नी जो है इज नॉट अ डेस्टिनेशन, है ना। अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज नॉट अ रेस, अ मैराथन है। देखिए इसमें यहाँ पर ये नहीं है कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकेंड आएगा। आप मैराथन के अंदर आओगे, आप दौड़ लगाओगे, आप दौड़ोगे तो एक दिन आप जीतोगे ही जीतोगे, है ना। सो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहते हैं एक दिन आपका सारा फेथ आ जाएगा और तब आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट करोगे। यू नो, आप करते करते अपना बिल्ड फेथ करोगे, आप करते करते आप सीखना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप करते करते सीखोगे, सीखते सीखते करोगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड भी होगा टेल भी होगा। इसी तरह इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, आप कोई भी काम करोगे वहां पर सक्सेस भी होगा फेलियर भी होगा। हमेशा हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि नहीं हमको हमेशा हमारी जीत ही होगी। तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि यस हमको यस भी मिलेंगे, हमको नो भी मिलेंगे। लेकिन लोग रुक कहाँ जाते हैं, हम आपको ज्यादा बात करेंगे, लोग रुक कहाँ जाते हैं। अगर चार नो मिली ओके, हम ही अपने आप से क्वेश्चन करते हैं पता नहीं ये बिजनेस होगा या नहीं होगा, पता नहीं लोग सुनते हैं मानते हैं नहीं मानते हैं, है ना। अनु जी ने मुझे बहुत पहले एक सक्सेस का प्रिंसिपल बता दिया था कि शिवानी लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। आप चार लोगों को बताओगे उसमें से एक हाँ करेगा, तीन आपको ना मिलेगी, लेकिन आप तीन ना के बाद चौथा प्लान करोगे तो पक्का हाँ मिलेगी। लेकिन लोग डर जाते हैं चौथी ना से सुनने से, और चौथी हाँ चौथे में ही हाँ छिपी हुई है, है ना। और मजे की बात हम तो आपको बताएं, हमें आज भी याद है जब हम शुरुआती दिनों में दूसरा प्लान तीसरे प्लान से हमें ना मिलती थी ना, तो रात को 10:30 बजे हम लौटते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते थे। तो शिवानी मुझसे पूछती थी मुबारकबाद किसकी, मैंने कहा शिवानी तीन प्लान में ना मिल गई, चौथे में हाँ मिलनी मिलनी है, चौथे में तो हाँ मिलनी मिलनी है। भाई 52 इक्कों में 4 इक्के हैं, पलटने ही तो बाकी है, 52 इक्कों में 4 इक्के तो है केवल पलटने बाकी। लिटरली बता रहा हूँ, दूसरा तीसरा प्लान जहां ना मिलती थी लोग मजाक सा बनाते थे, सच बता रहा हूँ, हम तो एक दूसरे को मुबारकबाद देते, हम मुबारकबाद दे देते क्योंकि हमें मालूम था ये होना ही होना है। लिटरली हमने केवल अपने आप को जिंदा रखना है, हमने केवल अपनी उमंग को जिंदा रखना है, बाकी सब हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप कभी कुछ खोगे नहीं, आप अगर आपको ना मिली है उससे भी आपको सीखोगे, यस व्हाट आई कुड डू बेटर, है ना। तो आइदर यू विल अर्न और यू विल लर्न। सो आज सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट डू आई वांट, मेरा रीजन क्लियर होना चाहिए। मैं 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हूँ, मैं 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ। आज आज जो मेरी लाइफ है बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, बट व्हाट आई कैन डू यू नो 5 इयर्स डाउन द लाइन में अपनी लाइफ को कैसा देखता हूँ। तो यू नो अगर हम अपनी बात करें, यू नो तो हम जब अनुज की जॉब भी अच्छी चल रही थी, एवरीथिंग वाज गुड, हमारा अपना घर था सिस्टम में, बट वी न्यू कि हमको यहाँ रुकना नहीं है। बहुत बहुत लोग होते हैं, लोग सोचते हैं अच्छा एक मकान हो गया, गाड़ी हो गई, बच्चे ठीक से स्कूल में पढ़ रहे हैं। यू नो आप जिस दिन सीखना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप ड्रीम लेना बंद कर दोगे, उस दिन आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाएगी। बट यस वी ऑलवेज वॉन्टेड, नहीं आज हम जिस घर में रह रहे हैं वी वॉन्ट टू मूव इन टू अ बिगर हाउस। मेरा ड्रीम था, यू नो हम जब 3 बेडरूम अपार्टमेंट में थे, हमारा खुद का था, इट वॉज वेरी स्पेशियस, बट हमारा था कि नहीं वी वॉन्ट टू मूव इन अ 5 बेडरूम अपार्टमेंट। अनुज ने बोला कि नहीं ये पॉसिबल, अच्छा ठीक है सोचेंगे, बट मुझे पता था आज अगर मैं मेहनत करूंगी वी विल गो प्लैटिनम, वी विल गो फाउंडर प्लैटिनम एंड बियॉन्ड, इट इज पॉसिबल। तो आपका सबसे पहले आपका आप डिसाइड करो कि आपको 5 साल बाद क्या चाहिए, क्या चीजें मुझे चाहिए जो मुझे खुशी देंगी। यस ईज ऑफ यू नो मनी, यू नो आई ऑलवेज वॉन्टेड कि यस अगर आज हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो मैं अपने बच्चों को यू नो शायद किसी चीज के लिए मना नहीं करना पड़ेगा। यू नो एक्स्ट्रा क्लासेस, बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, यू नो हमको उसके लिए मन मानना पड़ता है। तो योर रीजन शुड बी वेरी क्लियर, है ना। इजी कैश फ्लो, एंड आज जो मेरी थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लाइफ है,
मैं थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा करूं जिससे मैं उससे बाहर आ सकता हूँ, यू नो। तो अगर आपका ये चीज क्लियर है, यू नो, आपको काम करने में मजा आने लग जाएगा। शायद शिवानी ये कहना चाह रही है, एक दिन अपने आप के साथ बिताइए, अपने साथ समय बिताइए। और वैसे हम सबको, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को 13 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस में रहने के बाद, मेरे को एक ही चीज समझ आई है, हमको 10 मिनट रोज अपने साथ बिताना चाहिए, अपने इनर सेल्फ के साथ बिताना चाहिए। क्या चीज मेरे को प्रेरित करती है, कौन सी चीज मुझे ड्राइव करती है? क्योंकि जिस दिन वो मिल गया फिर बाकी खेल बहुत आसान है। कौन सी चीज मुझे ड्राइव करती है, मैं क्या पाऊंगा कि मैं मानूंगा ये बिजनेस मेरे लिए चला, मैं ये बना लूंगा तो मुझे लगेगा मैंने कुछ किया। सालों साल केवल केवल हम अपने आप को शीशे में देखते आए हैं, केवल, बाकी सब प्रतिबिंब है। वो जो पूरी टीम है वो हमारा प्रतिबिंब है, लेकिन हम ही सब कुछ। अगर हमारी अपने आप से बातचीत चलती रहे तो उमंग जिंदा रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी उमंग है, बिकॉज वी आर द ड्राइवर्स, हम ही से सब कुछ है। मेरा मतलब है उस इंसान से सब कुछ है जो आपकी सीट पे बैठा है। हम आगे बढ़ेंगे। निर्धारित करिए क्या सबसे पहले अचीव करेंगे। सच बता रहा हूं मैं आपको दिल से, 12,405 रुपए मेरे होम लोन की इंस्टॉलमेंट, सेक्टर 62 के जो मकान था 2003 में मैंने खरीदा था, 2008-09 में 12,405 रुपए जाते थे। और हम, सच बता रहा हूं, हम पीछे पड़ गए इसके, हम ब्रॉन्ज जो लेवल है उसके पीछे पड़ गए। उस समय ब्रॉन्ज पे कम पैसे आते थे, आज तो ब्रॉन्ज पे अगर अच्छे स्ट्रक्चर के साथ करते हैं तो 40,000 रुपए आते हैं। हम सबसे पहले पीछे पड़ गए कि होम लोन की इंस्टॉलमेंट इस बिजनेस से जाना। आप ही कोई एक छोटा कारण ढूंढ दीजिए और फिर हर जगह लगा दीजिए, हर जगह घर में पोस्टर्स लगा दीजिए, अपने मोबाइल पे पोस्टर लगा लीजिए, अपनी सेल्फ टॉक में यही कर लीजिए, गोल्डन डायरी में लिखना शुरू करिए, थैंक यू गॉड मेरी होम लोन की इंस्टॉलमेंट इस बिजनेस से जा रही। हम पीछे पड़ गए इसके, और जैसे ही हमारा होम लोन इंस्टॉलमेंट इस बिजनेस से जाने लगा, हमने दूसरी गाड़ी खरीदी और दूसरी कार की इंस्टॉलमेंट हमने इस बिजनेस से गोल बना लिया कि गाड़ी की इंस्टॉलमेंट इस बिजनेस से जाएगी। क्यों? क्यों? क्या क्या वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट या घर की इंस्टॉलमेंट मेरी सैलरी से नहीं जा सकती थी, लेकिन ये तय हो गया ये इस बिजनेस से जाए। और उसके बाद ये छोटे छोटे कारण आपके अपने होंगे, अपने आप से बात करिए। बच्चे हो गए तो हमें था, यू नो, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है, बच्चों को हमने खर्चे अपने जोड़ने शुरू कर दिए, मंथ के एक्सपेंसेस हमने जोड़ने शुरू कर दिए। मेरी मदर क्योंकि एज हो रही थी पेरेंट्स की, तो हमें था कि हमें फुल टाइम मेड रख लें। मैंने शिवानी को शुरू से गाड़ी चलाने सीखने नहीं दी मैंने, क्योंकि जिस तरह का ट्रैफिक था मुझे ऐसा लगता था भाई अगर ये फोन पे बात करेंगी तो बेटर है ड्राइव गाड़ी को और ड्राइव करें। तो हमने ड्राइवर की सैलरी, हमारा अगला गोल था कि हमने ड्राइवर की सैलरी इस बिजनेस से निकाली। और मैं शुरू से हमको ये था, मैंने कभी नहीं सोचा ये कि हम आपको जॉब छोड़ जॉब नो नेवर भाई, जॉब से भी पैसा आना चाहिए, हमें से भी पैसा आना चाहिए। तो हम अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, ओके। कई बार होते हैं कुछ लोग 6 महीने बिजनेस में होते हैं, कहते हैं मेरे को जॉब छोड़। अरे इसलिए भाई, कहना शुरू करना है, अपने आप को बताना शुरू करना है, टाइम ही है मेरे पास, टाइम ही है जॉब के बाद टाइम ही है। हालात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हम अपने आप को क्या बता रहे हैं। अगर मैं अपने आप को बताऊंगा मेरे पास टाइम ही है, ये उससे क्या फर्क पड़ता है मैं रात को 12 बजे ऑफिस से निकला, उससे क्या फर्क पड़ता है अगले दिन मुझे फिर 6:30 बजे लगने लैपटॉप खोल के बैठना है। लेकिन अपने आप को क्या बताना है, मेरे पास टाइम ही टाइम, मेरे पास टाइम ही टाइम, हालात कुछ भी हो इंपॉर्टेंट है मैं अपने आप को क्या बता। आगे बढ़ेंगे। 5,000 रुपए हमें बड़ी खुशी हुई ये सब करने के बाद, 5,000 रुपए हमने हर महीने अपने पेरेंट्स को देने शुरू किया, हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट। और ये सब आप अपने अपने छोटे छोटे कारण बनाइए। और मैं क्या कह रहा हूं, अपनी सेल्फ टॉक आप जानते हैं, जो हम अपने आप से बात करते हैं, आपकी गोल्डन डायरी, आपके ड्रीम चार्ट, सब जगह
ए ही जो आपके पहले गोल्स हैं उसको 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 ही बेस बनाने के लिए, ये पाना है पहले, ये पाना है पहले, उसको ढूंढने के लिए अपने आप से बातचीत करें। पहले आप उसको ढूंढने के लिए अपने आप से बातचीत करिए, क्या चीज है जो आपको लगेगा कि ये पाना है। और एक बार तय हो गया, हस्बैंड वाइफ बैठिए और उसके बाद हर जगह वही वही ड्रीम चार्ट, वही गोल चार्ट्स में, वही सेल्फ टॉक के अंदर, और फिर डट जाइए। एक रिवॉर्ड पे फोकस करिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एट ए टाइम एक रिवॉर्ड पे फोकस करिए। ऑलवेज टेल योर माइंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बीच में रहेगा, बाकी जिंदगी इर्द गिर्द चलेगी, ये बीच में रहेगा। क्योंकि कभी ऐसा होगा ना, मंथ की क्लोजिंग होगी, मंथ की क्लोजिंग होगी, रात को 12 बजे तक आप ऑर्डर्स डालेंगे, फिर हस्बैंड वाइफ डिस्कस करेंगे, रात के 2 बज जाएंगे सोने में, लेकिन फिर 7:30 बजे वो उठना है ऑफिस के लिए। वो सब वो जर्नी तब पॉसिबल है जब हमारे पास एक चीज का फोकस होगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब किस लिए हो रहा है, क्योंकि इस महीने ड्राइवर की सैलरी भी इस बिजनेस से जानी है। फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। नेक्स्ट, अपनी मंथली इनकम प्लान करिए। ये मेरे को नहीं पता, बट इसने मेरे को बड़ा मदद किया है। अपनी मंथली इनकम को प्लान करिए, क्या मतलब है? सबसे पहले जरूरी है आप सबके लिए जो एमवे का जो मंथली कमीशन कैलकुलेट कैसे होता है उसको अच्छी तरह से समझिए। और जितने भी लोग यहाँ पे 9%, 12%, 15% हैं, अपनी टीम में स्पेशल इसकी क्लासेस लगाइए कि मनी कैसे कैलकुलेट होता है। जब लोग अपना कमीशन आपकी टीम में जब अपना लोग कमीशन कैलकुलेट खुद करने लगेंगे तब वो ड्राइवर सीट पे आ जाएंगे। और हमें इस बिजनेस में लोगों को ड्राइवर सीट पे बिठाना है। बड़ी बड़ी शुरू में एक बात अपनी ने अच्छी सिखाई, भाई हीरो बनना नहीं है, हीरो बनाने का बिजनेस। जिसको कमीशन कैलकुलेशन समझ आ जाएगी वो समझ लेगा, अच्छा ऐसे करूंगा, ऐसे लेग्स, मल्टीपल लेग्स में काम करूंगा, ये यहाँ कर देता हूँ, ये यहाँ कर देता हूँ, तो उसका खुद का दिमाग लगना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट की नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर हमेशा डॉक्टर मिसेस ब्राज ने क्या कहा है, पूरी मनी कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए। तो आप भी समझिए और डिटेल में, यू नो, ये देखिए कितने सारे यू नो कमीशन, तरह तरह के कमीशन हैं एमवे में, स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कोर कमीशन, ये 3-21% की कैलकुलेशन होती कैसे है, 6% लीडरशिप कमीशन, अभी नहीं आता है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अभी आप इस लेवल पे नहीं है, लीडरशिप कमीशन नहीं आता है, डेप बोनस क्या है, लेकिन इसको गौर से कम कैलकुलेशन इस लेवल तक की समझिए अपनी अपलाइन के साथ बैठ के, महीने के 2 लाख रुपए बनते कैसे हैं, महीने के 2-2.5 लाख रुपए बनते कैसे हैं, वो कैलकुलेशन समझिए। और फिर डेफिनेटली आप देखिएगा आप खुद ऊर्जा ऊर्जा के साथ काम करें, क्योंकि आपको पता लग गया, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ओ अच्छा ये है, अच्छा अब समझा, हाँ तो वहां पहुंच, ठीक है। ये 2% रूबी कमीशन क्या होता है समझना है, ये सालाना बोनसेस कैसे आते हैं, ओके, ये सब एक बार यू नो ढंग से समझ लीजिए, ओके। नेक्स्ट, या सो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए अनुज ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमको अपना कमीशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। आज 2 लाख रुपए अगर बनते हैं इस बिजनेस से, हमें किसी ने होप दी है तो हमें पता तो होना चाहिए वो 2 लाख बनते कैसे हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप कैसे पहुंचोगे, सबसे पहले आप अपने टाइम की कीमत को समझोगे। जो समय बीत गया वो समय कभी दोबारा नहीं आएगा। सो हमेशा आपको होना चाहिए, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं इस काम से कितनी जल्दी फ्री हो सकता हूँ, ताकि मैं जो मेरी प्रायोरिटी है, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो काम मेरे सारे कामों को देखभाल कर लेगा, फिर मैं उसके लिए समय निकाल सकूं। सो प्लान योर डे, प्लान योर डे। मैं स्पेशली लेडीज को बोलूंगी जो हाउस वाइफ है, यू नो कि यस, मॉर्निंग में बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, किचन में तो इतने काम होते हैं कि आप लगे रहोगे पूरे दिन, काम खत्म नहीं होंगे। बट यू हैव टू प्लान योर शेड्यूल कि यस, मुझे 10:30 मैक्स टू मैक्स 11 o'clock आई एम डन विद एवरीथिंग, उसके बाद मेरा प्योर बिजनेस टाइम शुरू होता है। और अगर मेरा काम कुछ रह भी गया, हो सकता है मेरी वॉशिंग मशीन में रह भी गया कपड़े डालना, नो वरीज, मैं 1 बजे के बाद करूंगी, यू नो आफ्टर माई बिजनेस आवर्स। बट मॉर्निंग में 11 to 1 मेरा प्योर बिजनेस टाइम है, और इवनिंग में 4:30 to 7:30 प्योर बिजनेस टाइम, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों से है, हमको देखना है लोग किस समय कंफर्टेबल होते हैं,
और दोपहर में तो किचन होता है लोगों का, बच्चों को खाना खिलाना है, सो उस टाइम हम अपने काम कर सकते हैं. सो ऑलवेज ऑलवेज योर आई शुड बी ऑन योर वॉच. आज हम फुल टाइम इस बिजनेस में है, बट 10:30 बजे इज द टाइम फॉर बोथ ऑफ अस. मुझे 10:30 बजे तक सुबह टीम के लिए मॉर्निंग सेशन के साथ साथ, बच्चों को एक एक घंटा पढ़ाने के साथ साथ, 10:30 बजे तक आई नीड टू बी, मेरे को नहा के बिल्कुल रेडी होके मेरे को इस टेबल पे बैठना है 10:30 बजे. 10:30 बजे मैक्सिमम 11 बजे तक शिवानी को यहाँ आ जाना है, और 11 से 1 इज फोकस बिजनेस टाइम. इज फोकस बिजनेस टाइम. इस दौरान हम हमने जो दोस्त बनाया उनके लिस्ट में नाम लिखेंगे, पुराने पेंडिंग काम जो लिखेंगे वो हो सकता है हम घर के और जो हमें काम लिखने हैं वो हम लिखेंगे, अपने फाइनेंस को प्लान करना है, लेकिन आधा घंटा हमने आपस में देना है कि अब आप आज का दिन कैसे बीतेगा. डे हैज टू स्टार्ट समवेयर. यू नो, अगर हम मैंगो शेक बनाने लग जाएंगे तो पहले मैंगो शेक बनाएंगे, फिर उसको पील होगा तो उसको किचन भी साफ करना पड़ेगा, फिर वो जो मिक्सर जूसर ग्राइंडर हो गया उसको धोके भी रखना पड़ेगा, हाँ तो लगे रह जाएंगे. सो एवरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मैं जो काम कर रहा हूं इस काम से मैं कितनी देर में फ्री हो रहा हूं, बिकॉज मिनट लॉस्ट इज एवरीथिंग लॉस्ट. ये वक्त ही एक ऐसी चीज है जो बीत गया फिर ये वापस नहीं आएगा. ओके, और मैं अगर अपने समय की कदर करूंगा तो समय पक्का मेरी कदर, बिकॉज टाइम इज वेरी बिग. ओके, सो आई नो यहाँ पर देखिए हो सकता है बहुत सारे नए लोग भी हो, तो उनको हम एक ही विजन देंगे जो नए लोग हैं कि यस, आप आज आपको किसी ने होप दिया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जो काम कर रहे हो उसके साथ 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो. उसी के लिए हमें अपने टाइम को शेड्यूल करना है. जो पुराने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यू नो, उनको हम ये बताएंगे कि यस, आप ऑलरेडी सिस्टम में हो. आप जितना ज्यादा अपने टाइम की वैल्यू को समझोगे, आज अलमारी साफ करने लगो क्या जाता है, पूरा दिन निकल जाएगा अलमारी साफ करने में. आज लगेगा ये भी साफ कर लें, लाओ ये भी साफ कर लें, लाओ ये भी साफ कर लें. दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं आप उसमें एंग्रॉस हो जाओगे. आप करो, काम करो, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि यस, मैं कितनी जल्दी इस काम से फ्री होकर के मैं अपने ड्रीम के लिए काम करूंगी, मैं अपने गोल्स के लिए काम करूंगी, मुझे कमीशन चाहिए. एंड लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए हमें क्या प्लान करना है डे को, क्योंकि इस बिजनेस में लोग रुक कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई बॉस नहीं है. जब हम जॉब में होते हैं तो हमारे ऊपर कोई बॉस होता है जो एवरी टाइम बोलता है ये फाइल इधर होनी है, ये काम कंप्लीट होना है. बट यहाँ पर लोग क्यों रुक जाते हैं, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन खो देते हैं. हमारा कोई बॉस कोई हमको कहने वाला नहीं है कि आज आपने प्लान किया, आज आपने 2 नए लोगों को फ्रेंड बनाया, आज आपने 2 नए लोगों को शोधा प्लान किया. तो जब अनुजी ने जॉब छोड़ी थी, यू नो, जब अनुजी ने जॉब छोड़ी, इट वॉज वेरी इजी कि ठंड का मौसम है, रजाई छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, या क्या कहते हैं दोपहर में गर्मी हो रही है तो एसी ऑन करके आप आराम से सो जाओ 2 घंटा 3 घंटा. कोई कहने वाला नहीं है, बिकॉज वी हैव लेफ्ट आवर जॉब्स. बट सेल्फ डिसिप्लिन, हमें पता था कि यस, अगर हमने अपनी जॉब को छोड़ा है यस, तो हमें खुद अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा. वी हैव टू वैल्यू टाइम. वंडरफुल, थैंक यू शिवानी. लेट्स मूव अहेड. अपनी इनकम को प्लान किया आपने और आपने अपने डे को प्लान किया. नेक्स्ट इज प्लान योर फाइनेंस. हमेशा से ये जानिए, सबसे पहले जिस चीज ने हमें बहुत मदद करी है, हमेशा अपने आप को बताइए कि हम खड़े हुए कहाँ हैं. यानी मेरा कहने का मतलब है, मेरे को हर महीने कितना पैसा आता है और हर महीने मेरे हाथ से कितना पैसा निकलता है. अब कुछ तो महीने के खर्चे होंगे, वेजिटेबल्स का खर्चा, मिल्क दूध का खर्चा, डेली ग्रोसरीज, ये महीने रोज के खर्चे. अगर मान लीजिए महीने रोज का 350-400 रुपए आए तो पूरे महीने का. बच्चों की फीस अगर क्वार्टरली जाती है, हर 3 महीने में जाती है, अगर 30,000 रुपए हर क्वार्टर में जाते हैं तो उसको 3 से डिवाइड करिए, यानी महीने का 10,000 रुपया बच्चों की फीस हो गया. 2 बच्चे हैं तो महीने का, अच्छा ओके, 17,000 रुपए बच्चों की फीस जाती है हर महीना. ओके, फिर उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस है, आप सालाना अगर मान लीजिए 40,000 रुपए देते हैं तो उसको 12 से डिवाइड. अगर आप 40,000 रुपए हर छह महीने बाद इंश्योरेंस में देते हैं, उसको 6 से डिवाइड. यानी अराइव करिए उस फिगर के कि मंथ में आपका कितना एक्सपेंस है. मेरे को हर महीने इतने पैसे आते हैं, सैलरी से इतने आते हैं और मेरा महीने का खर्चा इतना है. कई बार होता है लोग ना बिजनेस में क्यों उतार चढ़ाव से बाहर नहीं आ पाते.
जिस महीने उनको इंश्योरेंस की क्वार्टरली प्रीमियम देना होता है उस महीने वो कहते हैं इस महीने हम आप भी नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते ये, यू नो वो फोकस लूज हो जाता है। वो जिस महीने प्रीमियम देना होता है इंश्योरेंस का, उसी महीने अगर बच्चों की फीस देनी होती है तो वो डेढ़ दो महीनों के लिए अपनी अपलाइन से पता नहीं क्यों दूर हो जाते हैं। सो बट अगर हम ये यू नो कैलकुलेट करके रख लेंगे भाई हर महीने इतना आता है और एवरेज इतना निकलता है, तो कंट्रोल मेरे हाथ में आया, अब मेरे को पता है मेरे को ये आता है ये जाता है और मैं 5,000 ऊपर या नीचे हूं। अब मेरे को सबसे पहले 5,000 रुपए महीने के फिक्स करने हैं आपसे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन, यही एग्जैक्टली हमने किया। सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए भाई जितना आता है उतना, जितना जाता है जितना उतना आना चाहिए। अगर कुछ डेफिसिट है तो मैं आम पैसे उसी के लिए आम दे राइट, और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना, धीरे धीरे इसको बढ़ाना। और ये चीज आप हर तीसरे चौथे महीने जरूर करिए। एक एक्सेल फाइल बना लीजिए, हर महीने इतना पैसा आता है इतना निकलता है, आप देखिएगा धीरे धीरे कंट्रोल आपका, आपकी लाइफ का कंट्रोल ना आपके हाथ में आए, क्योंकि सब कुछ मुझसे है, सब कुछ आपसे है, सब कुछ आपसे है। आगे बढ़ेंगे। प्लान योर फाइनेंस, प्लान योर डे एंड प्लान योर मनी। ओके, क्योंकि खुद को अगर हमने व्यवस्थित कर लिया तो फिर खेल आसान। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अश्वानी हमेशा कहते हैं हमें अपनी वर्टिकल अलाइनमेंट फैमिली में फॉलो करना है। सबसे पहले बच्चे जो हैं वो अपनी मदर को सबमिट करेंगे, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि कहते हैं वो कुछ भी कहना है तो फादर को जाएंगे, वो अपनी मदर को बताएंगे। मदर जो है वो अपनी हस्बैंड को बोलेगी, लेकिन अगर हस्बैंड के बारे में कोई भी बात बोलनी है तो लेडीज को एक चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हस्बैंड्स आर वेरी इमोशनल, तो हमने कभी भी उनको क्रिटिसाइज कंडेम नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है। और अगर हमको बच्चों की कोई बात करनी है वो हम अपने हस्बैंड को बताएंगे, लेकिन अगर हस्बैंड की कोई बात बतानी है तो हम अपने अपलाइंस को बताएंगे, है ना। हम डायरेक्टली हस्बैंड को नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको हर्ट हो जाएगा। हमें कोई भी चीज लगती है तो हम उनको अपने अपलाइन को बताएंगे, और अपलाइन जो है हमारे अपलाइन मेंटर्स, हमारे अपलाइन ग्रोइंग अपलाइन यू नो जो कि प्लैटिनम एंड अबव है, हम उनको बताएंगे और उनको जहां सही लगता होगा वो हस्बैंड को कन्वे कर देंगे। एंड डेफिनेटली मेंटर जो है टू गॉड। सो अगर हम ये वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे घर में बहुत पीस भी होगा, हैप्पीनेस भी होगा और ग्रोथ भी होगा। सबसे ऊपर भगवान, फिर आपका परिवार, फिर अपना अपना मेंटर, फिर हस्बैंड वाइफ टीम और फिर बच्चे। इसको अगर फॉलो करेंगे, और ऐसा नहीं हमको कोई एक दिन में समझ आ गया, हमको जब ये बताया गया इसका मतलब क्या है और ये कैसे ये बात हमको लाइफ में दिशा देगी, जब हमको ये समझ लगी अच्छा ये इस तरह से दिशा देगी तो हमने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि सब कुछ हमारे एक्सेप्टेंस से है। यहाँ बात थ्योरी की नहीं है, बात है कि हमने हमने एक्सेप्ट किया, नहीं हाँ हाँ बात सही है, अगर ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और ये डेफिनेटली बेहतर होगा मेरे लिए, राइट। आगे बढ़ेंगे। प्रायोरिटी सेट करिए, सेट योर प्रायोरिटी। सबसे पहले भगवान, फिर आपकी फैमिली, फिर आपका करंट प्रोफेशन और फिर आम्बे। बड़ी अच्छी बात पुलिंद देसाई जी कहते हैं ना, यू नो कि अगर यू नो मेरे परिवार को मेरी जरूरत है तो क्या मैं ऑफिस जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। बॉस को बोलूंगा, नहीं भाई भैया बॉस को छुट्टी चाहिए, यू नो आज मिसेस को वैक्सीनेशन कराना है या बच्चों को वैक्सीनेशन कराना है, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि फैमिली को मेरी ज्यादा जरूरत है तो प्रोफेशन से ज्यादा ही। और ये प्रोफेशन आपका जो करंट प्रोफेशन है, जो आपकी जॉब है या आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो एम्बे से ऊपर आता है, लेकिन चौथे नंबर पर बिजनेस आता है, लेकिन पांचवी कोई चीज है ही नहीं लाइफ, फिर पांचवी चीज का स्पेस बचा ही नहीं। चार चीज है, ये चार रखेंगे, इस प्रायोरिटी में रखेंगे, देखना हमेशा आप, हमको ऐसा लगता है कि हर इंसान इस प्रिंसिपल को यूज करके ग्रो करता है। आज भी यू नो जरूरी नहीं है कि हम हर मैरिज फंक्शन में जाएं या हर बर्थडे पार्टी में घुस जाएं, यू नो जरूरत हो या ना हो, ऐसा नहीं कि हमको हर यू नो हर गेट टुगेदर में जाना है या हर काम को मुझे ही करना है, क्योंकि मैं तो केवल वही काम करूंगा जो केवल मैं कर सकता हूँ, बच्चों को मेरे अलावा कोई मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, तो मैं वहां वक्त दूंगा, लेकिन बाकी सारे काम जो मेरे लिए जो इंसान कर सकता है मैं उससे उसकी मदद करूंगा।
मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं मेरे लिए इम्पोर्टेंट है व्हाट मेरे लिए डिसाइड करना कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है. कुछ 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 साल बस प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना है, कुछ साल बस प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी. वो क्योंकि बाकी चीजों का होना तय है. वो तय क्यों है? क्योंकि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जब लोगों को प्लान दिखाया जाता है तो लोग हाँ क्यों कर देते हैं. मुझे आज तक नहीं समझ आया. मैं किसी को जब प्लान दिखाता हूँ एमपी का तो लोग हाँ क्यों कर देते हैं. और मुझे ये भी नहीं समझ आया जब मैं लोगों को प्लान दिखाता हूँ तो लोग मना क्यों कर देते हैं. लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, मेरे को एक बात समझ आ गई कि अगर मैं कुछ लोगों को प्लान दिखाऊंगा तो कुछ लोग हाँ जरूर करेंगे. और हम बहुत खुश हैं इस बात से. तो इसका मतलब क्या है? कुछ सारे प्रिंसिपल्स को अपना करके चलते रहना है बस उस रास्ते पे. बाकी सब कुछ होना तो तय है, क्योंकि लोगों का ज्वाइन करना तो तय है, कुछ लोगों का आने के बाद छोड़ के जाना तय है, लेकिन कुछ लोगों का आने के बाद आगे बढ़ना तय है. तो बस अगर हम प्रिंसिपल्स पे चलते रहेंगे, खुद बने रहेंगे, तो हमारा आगे बढ़ना तय है. नेक्स्ट चलेंगे बेसिक एक्शन. शिवानी बात कर लो आप. या तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा बेस जो बिजनेस का है वो है प्रोडक्ट्स. अगर हम ही प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करेंगे, हम ही को लगेगा कि ये महंगा है. अगर हमको लगता है कोई प्रोडक्ट महंगा है तो हमें उसकी ट्रेनिंग अटेंड करनी है. अगर हम अपने घर में एसिड यूज करने में हमको लगता है महंगा है तो ये हमको ट्रेनिंग अटेंड करनी है कैसे ये सस्ता पड़ता है. लेकिन अगर मैं एसिड यूज नहीं करूंगी तो मेरा कहीं ना कहीं मैं सामने वाले को नहीं बता सकती कि तुम भी यूज करो. मैं अपने घर में कोलगेट या सेंसोडाइन यूज करूं और सामने वाले को बोलूं कि तुम ग्लिस्टर यूज करो, दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर मैं कह भी दूंगी उसको कि तुम ग्लिस्टर यूज करो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको नहीं पता, सामने वाला मेरी आंखों से जान जाएगा मैं कितना झूठ बोल रही हूँ, मेरी जबान लड़खड़ाएगी और कहीं ना कहीं अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा मैं उसको आंसर नहीं कर पाऊंगी. अगर मैंने परस्यूज यूज नहीं किया होगा तो मैं सामने वाले को नहीं बता पाऊंगी कि परसों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. तो हमारा बिजनेस प्रोडक्ट्स का है, हमने सबसे पहले 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट्स करना है ताकि हमारा फेथ, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा कन्विक्शन होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स पर. हमने अपने प्रोडक्ट्स के बेस्ट कस्टमर होना है. आज 150 रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है. अगर मैंने मेरे घर में नहीं है गार्डन नहीं है, सो वॉट, मेरे घर में अगर तुलसी की क्यारी है मैं उसमें अपने घर में एप्सा एटी यूज करूं, लेकिन मेरे पास कितना बड़ा मौका है कि मैं एप्सा एटी के थ्रू कितना बड़ा बिजनेस कर सकती हूं. तो मैं अपनी तुलसी की क्यारी में एप्सा एटी को डालकर तो देखूं कि इसकी ग्रोथ कैसी होती है ना. सो जितना ज्यादा मेरे को अपने प्रोडक्ट पर फेथ आएगा, आप ऐसे सोच के देखो, अगर मैंने एक जूम 270 रुपए का यूज किया लेकिन मेरे पास उसकी फ्रेंचाइजी है, मैंने वो 270 रुपए का जूम यूज किया, मैं कितने लोगों को जूम के बारे में बता सकती हूँ. यू नो, सो बी द बेस्ट कस्टमर ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर प्रोडक्ट. इतना बढ़िया मौका है, इतनी ऑनलाइन सेशन ट्रेनिंग हो रही है. आज जो सीनियर लीडरशिप बैठी है, हम लोग अगर देखें, हम याद करें अपने दिन, मैं गाड़ी से, एक गाड़ी में कितने लोग आएंगे, एक ड्राइवर पीछे, तीन एक आगे, चार लेडीज आती थी. और आज हम मंथ में एक बार नूपलाइट की ट्रेनिंग होती थी गाजियाबाद जसोला में. हम वेट करते थे उस दिन के लिए, यार मंथ में एक दिन नूपलाइट की ट्रेनिंग होगी. हम पहले से लोगों को बोल के रखते थे कि यार उस दिन नूपलाइट की ट्रेनिंग है, हेल्थ में तो नूपलाइट में तो पीवी होते हैं और नूपलाइट हेल्थ तो एवरीवन इज लुकिंग फॉर, एस्पायरिंग फॉर, और हमको उस दिन ट्रेनिंग में जाना है. लेकिन आज वी आर सो ब्लेस्ड कि आज कितनी सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है. आप घर बैठ करके इतना ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं. जो लेडीज हैं उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं. तो अगेन वैल्यू टाइम करेंगे, यू कैन टाइमली कॉल पीपल कि यस इतना जबरदस्त नूटलाइट का सेशन हो रहा है, लेकिन जब मैं अटेंड करूंगी मैं उसकी वैल्यू समझूंगी तभी मैं लोगों को अटेंड कराऊंगी. सो अटेंड ऑल प्रोडक्ट सेशंस. वंडरफुल, थैंक यू शिवानी. एंड दूसरी चीज है, प्रोडक्ट के साथ आपने अपना खुद का भरोसे को बना, भरोसा इस बिजनेस पे क्या ये करने लायक है. आएंगे सवाल, आएंगे, हमको भी आते थे. कई बार होता था ना यार, जब कलीग को वीजा हो जाता था,
फिर हमको नहीं 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 बिजनेस तो बढ़िया है यार, हमारा वीजा हो भी जाएगा तो भी हमको जाना तो नहीं है, लेकिन मन में तो सवाल रहता था ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम हमको हमको खुद को भरोसा, और उसके लिए रोज रोज कोशिश करिए, रोज आधा घंटा ना स्मार्ट टच, स्मार्ट टच ओनली स्मार्ट टच के ऊपर आधा घंटा एजुकेशन लेनी। ओके 30 मिनट्स एवरी डे, 10-15 मिनट किताब जरूर पढ़ना है। पर पता होगा क्या, किताब कोई सिलेबस नहीं है, ये सीडी सुनना भी सिलेबस नहीं है, मजा आए दिल से। होता है ना, नींद आ रही थी, किताब हाथ में लेके बैठा, 15 मिनट बाद नींद गायब हो गई, तब मजा आया दोस्त, तब मजा आया किताब का, अरे वाह। और जब फिर हम किताब पढ़ते पढ़ते उठ जाते हैं, और फिर कोई कहता क्या हुआ तुमको, क्या हुआ तुमको, अब क्या बताएं क्या हुआ तुमको। जब अंदर से ऊर्जा पैदा हो तब मजा आया किताब। तो आई होप, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है खुद का भरोसा बिजनेस के ऊपर, और खुद का मेरा अपने ऊपर भरोसा, ये रोज बढ़ाइए। और सिस्टम बखूबी तैयार है सबको देने के लिए। एंड लास्ट थिंग इज एक्सपैंड करना है, रोज इस बिजनेस में थोड़ा थोड़ा काम करना है, ताकि हमारा बिजनेस के साइज धीरे धीरे बढ़े। हम कल के बिजनेस में, जो इस महीने आपका वॉल्यूम हो रहा है वो इस महीने का बिजनेस है, लेकिन जो आज आपने दो नए दोस्त बनाए हैं वो आपका कल का बिजनेस है। रोज कल का बिजनेस रोज बनाना है, कितनी अच्छी बात अनुराग अग्रवाल ने कही। अगर मैंने रोज आज मैंने अगर आज का प्लान नहीं दिखाया ना किसी नए परिवार को, तो मैंने आज शायद कुछ भी नहीं किया, तो आज मैंने शायद आज कुछ भी नहीं किया, अगर मैंने आज का एक नया प्लान नहीं दिखाया। उसके लिए क्या करना है, कोशिश छोटा सा डिसिप्लिन का क्रिएट करने की कोशिश करिए, कि मैं लिस्ट में रोज एक नया नाम ऐड कर, लिस्ट की कॉपी। कई बार मैंने देखा है, मैं अपनी टीम में भी बात करता हूँ, तो कहते हैं बेटे का नाम लेके, जरा वो मेरी लिस्ट की कॉपी ले देखना कहाँ रखी है। अगर बिजनेस रुकता है तो केवल एक ही कारण से रुकता है, कि लिस्ट की कॉपी में नाम ऐड होने बंद हो जाता, और दूसरा कोई कारण नहीं। आज तो लिंक्डइन पे जाके, फेसबुक के थ्रू कितने कॉन्टेक्ट नए हम क्रिएट कर सकते। और ये तो खैर मजेदार, सबसे मजेदार है ही, जब 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 घर के बाहर जा रहे हैं तो दो दो तीन लोगों को तो नमस्ते बोल ही सकते हैं ना। तो आई होप रोज आप आदत डालें कि आपने रोज अपनी लिस्ट में नए नाम ऐड करने हैं, राइट। एंड सेकंड थिंग इज, कोशिश करिए कि मैं हफ्ते में कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाऊं, और ट्रैक करिए इस चीज को, कि हफ्ते के 3 से 5 प्लान उल्टा टेढ़ा मेढ़ा सीधा जैसा आता है मेरे को करना है, जैसा भी आता है टेढ़ा मेढ़ा, जैसे जितनी मर्जी गलतियों के साथ, लेकिन मैं करूंगा। अपलाइन को बुला लीजिए, जूम के सेशन में बुला लीजिए, मैं प्लान दिखा रहा हूं, लेकिन करिए खुद। और स्पेशली जो यहाँ पे जो लोग हैं, जो 6, 9, 12, 15 और ऊपर के लेवल पे हैं, सबको मैं कहूंगा अपनी टीम में, हमारा केवल एक ही दायित्व है, लोगों को प्लान दिखाना सिखाना है। हमारा केवल डाउनलाइंस के प्रति पहला दायित्व है कि मुझको उसको जूम पर प्लान दिखाना सिखाना है, बस। लोगों को आपको अपनी टीम में, जो आप जो 6, 9, 12, 15 पे आपकी टीम में अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके साथ 1-on-1 सेशंस करिए। 1-on-1 सेशंस का मतलब है उनको प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखवाइए, आज प्रोटीन डेली ओमेगा और किड्स च्युएबल, ये 4 बेसिक प्रोडक्ट लिखवा दीजिए, 6-6 लाइनें लिखवा दीजिए उनको। उनको कॉलिंग किस करके, वो फोन पे क्या बात करेंगे लिखवा दीजिए उनको। प्लान प्लान कैसे दिखाना है उनको लिखवा दीजिए, लिखवाने पे काम करिए, लोगों को लिखवाने पे काम करिए, और वहां से लोगों का डर खुलेगा। और जब आप लोगों के साथ 1-on-1 सेशंस करेंगे तो आप आपको लगेगा यार मैं तो सोचता था इसको सब आता है, मैं तो सोचता इसको सब आता है, और वहां से आप अपने बिजनेस को सही आंक पाएंगे। जितना आप लोगों के साथ 1-on-1 समय इन्वेस्ट करेंगे उतना ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी पहले किसी परिवार को 1-on-1 टाइम इन्वेस्ट करने के लिए पहले तैयार होना पड़ता था, फिर गाड़ी में बैठना होता था, आधा पौना घंटा ड्राइव करना होता था, फिर
फिर अगर गर्मी के ज्यादा दिन होते थे पसीना पोंछना पड़ता था, फिर घर में घुसना होता था, लेकिन आज पीछे एसी चलाना होता है और बस उसको समय देना होता है और बस 15-15, 15-20, 20-25 मिनट के छोटे छोटे सेशन, आओ तुमको ये लिखवा दे, लाओ तुमको ये लिखवा दे, लाओ तुमको ये लिखवा दे, अब बताओ क्या सवाल है मन में, अब बताओ क्या सवाल मन में आ रहा है। इन्वेस्ट टाइम इन पीपल, जो लीडर्स हैं यहाँ पर, अगर दो डुप्लीकेशन सेशन रोज के कितने आधे आधे घंटे के दो डुप्लीकेशन में क्या करना है, प्लान लिखवाना है, वो प्लान कैसे दिखाएंगे, वो फोन पे क्या बात करेंगे लिखवाना है, इनकम कैलकुलेशन लिखवा दी, प्रोडक्ट की डेमो वो कैसे करेंगे, ये कैमरा सेटअप करके वो कैसे डेमो करेंगे, टेबल पे प्रोडक्ट रेडी करवाइए, ये छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे, कुल मिला के लोगों का डर खत्म हो, ये हर कोई करना चाहता है, सवाल वहीं आके खड़ा है, कैसे करें, ऐसे करो, लिखो, देखो, करवाए जाओ, और जब वो करना शुरू कर दे तो क्लैप करो, क्या बढ़िया काम, जबरदस्त, यू आर द बेस्ट, यू हैव डन द बेस्ट, बस इतना सा खेल है। कोशिश करनी है 3 से 5 प्लान हफ्ते के करने हैं और रोज का एक, प्रेफरेबली दो, अगर मैं रोज एक नया प्लान कर दू, रोज एक नए परिवार को कुछ ना कुछ बता दू, अब तो कितना बढ़िया। मैं देखता हूँ शिवानी को, वो पता लगा जी वो तो ये फाउंडेशन लगा रहे हैं, याद आ गया किसी का नाम, लाओ जी उसको व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर देते, उसको फाउंडेशन ही दिखा देते, पोहा बन रहा है किचन में, पोहा बन रहा है किचन में, किसी का नाम याद है, लाओ जी लाओ पोहा, उसको बनते हुए कढ़ाई में पोहा बनते हुए दिखा देते, कुछ ना कुछ नए परिवारों के साथ एवरीडे, और एक परिवार को डुप्लीकेशन कुछ ना कुछ लिखवाना है, कुछ ना कुछ उसका डर, अगर ये दो सेशन 25-25 मिनट के मैं रोज कर सकता हूँ, आई हैव डन माय पार्ट, दैट्स ऑल। मैंने आज का भी बिजनेस तैयार किया, मैंने कल का बिजनेस भी तैयार किया, और आज के बिजनेस को मैंने काबिल बनाया कि तू कर सकता है, तू कर लेगा और तू कर सकता है, दैट्स इट, आगे चलेंगे। सोनू जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमने लोगों के डर को खत्म करना है, लोगों के हाथों को खुलवाना है, और हमेशा एक बात याद रखना है कि जो कान से सुना, जो आंखों से देखा और कान से सुना, बल्कि जितना हाथों से आप काम कराएंगे लोगों के कानों, हम बोलते रहेंगे, हमने उनको विजन तो दे दिया और उनको होप भी मिल गई कि इस बिजनेस से पैसा बनेगा, लेकिन फिर वही बात है, डर रोकेगा हाथों को कि नहीं हम तो कर ही नहीं सकते, तो आपका विजन देना बेकार हो गया। लेकिन जितना आपने उनके डर को खत्म कर दिया, यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, लिखो, यही बोलना है, इसी को रिपीट करना है, वो बोलेगा वाओ सो सिंपल, यही चीज को इसको ही बोलना है, इससे पैसा बनता है, यह है, तो जस्ट मेक राइट, है ना। एंड सबसे बड़ी बात है ये कि हमको 3 पावर्स का इस्तेमाल करना है, हम हमेशा सुनते आए हैं पावर ऑफ ड्रीम, है ना, क्या चीज मुझे आगे लेके जाएगी, क्या चीज है जो मुझे लाइफ में हैप्पीनेस देगी, क्या चीज है जो मैं चाहता हूँ। ड्रीम वो नहीं है कि मेरे को BMW चाहिए, ड्रीम वो नहीं है कि कहते हैं मुझे बहुत बड़ा क्या कहते हैं मैंशन चाहिए, वो आपको नहीं मोटिवेट करेगा, बट यस जो ड्रीम आपको, जो आपको रियली सोने ना दे कि यस आज अगर मैं किराए के मकान में रहता हूँ तो मुझे अपना मकान तो होना चाहिए, चाहे 2 बेडरूम का होना चाहिए पर अपना मकान होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सोचना पड़ रहा है यार ये खर्चा कैसे करें, ये खर्चा yes. कैसे, आराम से लाइफ, आराम से महीने से 1 तारीख तक 30 तारीख तक आराम से निकलना चाहिए, दैट इज द पर्पस। क्योंकि अगर आपने ड्रीम लिया कि मैंशन होना चाहिए और मैंशन नहीं भी होगा तो हाउ डज इट मैटर, लाइफ तो चल ही रही है, वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा काम करने के लिए, पर जो लाइफ में बैलेंस आएगा वो चीज आपको मोटिवेट करेगी, यू नो स्पोकन वर्ड्स, है ना, हमेशा वो बोले जो आपको चाहिए। बुखार भी होता है तो ये नहीं बोलना तबीयत खराब है, तबीयत बहुत बढ़िया है, बिकॉज वॉट यू स्पीक, कहीं ना कहीं सरस्वती हमने सुना है जबान पर बैठती है, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, है ना, राइट योर गोल्स, अपने सपनों को लिखें, चार्ट पेपर लगाएं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे शर्म आती थी शुरू में, हमें शर्म आती थी कि क्या कहते हैं हम लिखेंगे तो कोई क्या बोलेगा, हम नहीं लिखेंगे, लेकिन और हम हमने जब अप्लाई करना स्टार्ट किया, बहुत लेट हमने स्टार्ट किया, फिर मैंने क्या किया दरवाजे के पीछे लगा दिया ताकि बेडरूम में कोई देखे ना इसको, प्लैटिनम तो दरवाजे के पीछे लग गई थे क्योंकि वो किसी को दिखाया नहीं, हम अपने आप को दिखा दे रहे, वी आर ब्रांड न्यू प्लैटिनम्स, वी आर ब्रांड न्यू फाउंडर प्लैटिनम्स, वी आर ब्रांड न्यू एमराल्ड्स, यहाँ तक तुम दरवाजे के पीछे लगा के ऐसे काम बन गए, हमने दुनिया को दिखाने में थोड़ा डर सा लगता है ना, लोग क्या कहेंगे,
लेकिन हम अपने आप को दरवाजा आपको तो जब बंद करेंगे तो हमको तो दिखेगा कम से कम, और सारा खेल तो हमसे ही है, है ना। एंड पावर ऑफ सबमिशन, है ना, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बच्चे माँ को सबमिट करते हैं, माँ हस्बैंड को सबमिट करती है, हस्बैंड अपलाइन को सबमिट करता है ना, तो ग्रोथ होती है। हमें सबमिशन में रहना है ना, और यूनिटी, बिकॉज हमको सबको पता है कि यस, अगर यूनाइटेड है तो वहां ग्रोथ है, वहां हैप्पीनेस है। हो सकता है कोई बात हो गई हो टीम मेंबर से, कितनी जल्दी हम उस बात को फिनिश कर सकते हैं, मिलकर आगे बढ़ना है, मिलकर आगे ग्रो करना है, कितने अच्छे सिस्टम में है हमें, यू नो आप लोग सब हमारे क्रॉस क्लाइंट्स है, बट यू नो इट इज द ब्रिट वर्ल्ड वाइड, हमें लगता है कि हम आपको दिल निकाल करके दे दें। वी वॉन्ट ग्रोथ, हम चाहते हैं जो आज, अभी तो हमें भी बहुत आगे जाना है, बट हमें लगता है कि आज हम आपको क्या दे सकते हैं कि ये आप इतनी बड़ी चीज में आए, कल को आपकी स्टोरी बनेगी, आप कितने लोगों को इंस्पायर करोगे, यू नो। सो बी यूनाइटेड, कुछ बात हो गई है, फर्क खत्म करना है उस बात को, एंड मूव बियॉन्ड, गो अहेड। अभी रिसेंटली डॉक्टर मिसेस ब्राज ने एक सेशन किया, उन्होंने कहा हर इंसान से ऐसे मिलना है जैसे उससे पहली बार, यानी उससे बहुत कुछ बातचीत हो गई, कोई नहीं कुछ मन मुटाव हो भी गया, लेकिन अब कैसे मिलना है, यहाँ से उससे कैसे मिलना है जैसे पहली बार मिले, तो कोई गिला शिकवा ही नहीं है। तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ना है। ओके, और यू नो कार्डिनल रूल्स यू नो सिंपल है, यू नो आपको आप में से काफी लोगों को पता है, कोई भी नया काम करें एक बार आप अपनी अपने ग्रेट अपलाइन से पूछ लें, ठीक है। बड़े आइडियाज आते हैं, लेकिन आइडियाज को पहले किसी ना किसी ने अप्लाई करके रखा है, उसने अप्लाई करके रखा हुआ है, तो एक बार चेक कर लें भाई ये आइडिया काम करेगा नहीं करेगा, डिले करेगा नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यू नो नेगेटिव किसी के साथ शेयर नहीं करना है, वही बात लोगों के साथ शेयर करनी है जो होप देती है, जो नेगेटिव नेगेटिव इन द सेंस अपलाइन के साथ भी शेयर नहीं करना, क्यों करना है अपलाइन के साथ शेयर, कोई बात बतानी है तो बात रखनी है अपने आप, बट हर बात शुरू करनी है पॉजिटिव के साथ। डॉक्टर ब्रैश से यही सीखा है, डॉक्टर ब्रैश से सिर्फ यही सीखा है, हर बात में पॉजिटिव। एंड लास्ट थिंग इज, कभी भी पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं, किसी के परिवार के साथ खिलवाड़, हम तो परिवारों के बिजनेस में, परिवारों को बनाने के बिजनेस, राइट। हमेशा एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस बना के रखना है, हर एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस बना के रखना है, डिस्टेंस को वहीं तक कम करना है जहां तक हम लोगों की मदद कर सकते, राइट। एथिक्स के साथ और नैतिकता के साथ यू नो काम करेंगे तो यू नो हमेशा से यू नो आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे, यू नो अगर आपकी टीम आपके साथ कंफर्टेबल होगी तो पक्का ग्रो करेगी, अगर आपकी टीम आपके साथ कंफर्टेबल होगी तो वो ग्रो करेगी करेगी, एज सिंपल एज, राइट। और विजुअलाइजेशन करिए हमेशा, यू नो अपने एंड रिजल्ट को देख के काम करें, हमेशा एंड रिजल्ट को देख के काम करें। अभी डॉक्टर मिस्टर ब्राज ने क्या बोला, आपकी हर टीम में, आपको हर टीम में कम से कम 20-20 डुप्लीकेटर चाहिए। डुप्लीकेटर कौन जो कम से कम 600 पॉइंट का बिजनेस हर महीने अपने दम पे करता, 600 पॉइंट का बिजनेस अपने दम पे करता हो, ऐसे हर टीम में 6 टीमों में 20-20 डुप्लीकेटर्स आपके पास, और आपका हर टीम में कम से कम 10-15 डुप्लीकेटर्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ। इसको विजुअलाइज करना, इसको रोज सोचना, एक दिन ऐसा है 6 टीम्स में ऐसा, एक 6 टीम में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उस एंड रिजल्ट को देख के काम करना। फिर क्या होगा, मैंने बोला भाई साहब आपका चेहरा जाना पहचाना लगा, वो कहता है मुझे नहीं लगता, कोई बात नहीं मेरे को तो पता है, मुझे तो पता है मेरा विजन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बोर्ड इन बेडरूम, कुछ बिजनेस में कुछ चीजें हैं जो आप लिख लीजिए, ये ट्रैक करिए, ट्रैक करिए कि इस महीने आपकी टीम में कितनी ज्वाइनिंग हुई, आपके जो बिजनेस का ही तो काम है, बिजनेस में करने वाले काम हो सकते हैं ना यार, उसका बैंक अकाउंट चेंज कराना है, यू नो यार उसका उसका वो प्रोडक्ट वहां पहुंचा नहीं है, कस्टमर केयर को मेल गई नहीं गई, वो जो बिजनेस में छोटे छोटे काम है ना, इनको बोर्ड पे लिखिए, क्योंकि हर हर छोटी चीज का महत्व, क्योंकि लोगों का विश्वास विश्वास की बात, तो छोटे छोटे काम को लिखते जाइए बोर्ड कॉलम बना के, अच्छा इस कॉलम में मैं छोटे छोटे बिजनेस में, और जो जो काम होता जाए उसको मार्कर से मिटाते जाइए, है ना, मिटाते हैं, ये काम लिख लिया ये हो गया, ये जो जो होते जाओ उसको मिटाते जाओ। तो पहली चीज, बिजनेस में कौन कौन लोग आए ये ट्रैक करिए,
बिजनेस में छोटे छोटे काम वो ट्रैक करिए, जो घर के छोटे छोटे काम है उनको भी ट्रैक करिए, वो ना वो बिजली का वो जो इलेक्ट्रिसिटी का वो जो पॉइंट है ना वो खराब हो गया है, वो ना वो जो नलका है ना थोड़ा पानी टप 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 कर रहा है, वो घर के जो छोटे छोटे काम है उनको भी लिखिए, क्योंकि फिर दिमाग पे लोड नहीं रहेगा ना, सब कुछ बोर्ड पे सामने दिख रहा है। और मनी की ट्रांजेक्शंस, मनी के मनी से संबंधित घर के जो मसले हैं उनको भी लिखिए। ओके, कहीं से पैसा बचता है तो जरूर बचाइए। तो जो ये चीज है, और जो छह टीम्स आपकी हैं, जो छह टीम्स आपकी हैं उनमें आप कौन कौन किन किन लोगों के साथ आपको काम करना है उनके नाम, अच्छा इस टीम में मुझे मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए आप पूरा बोर्ड देखेंगे तो आपको दिखना चाहिए, अच्छा ये मेरे बिजनेस के काम है, ये नए लोग ज्वाइन करे हैं, इन इन छह टीम्स में इन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे घर के काम है, ये मेरी प्रायोरिटीज है। बोर्ड देख करके आपको क्लियर हो जाए, यू नो वेयर आई एम स्टैंडिंग, मेरी इस समय की करंट प्रायोरिटी क्या है। एंड लास्ट वी वांट टू शेयर कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स। देखिए, होम टीम सबसे पहली टीम, अगर घर परिवार में एका है, खुशी है, तो ये बिजनेस के ज्यादा चांसेस है तेजी से ग्रो करने। घर परिवार में अगर उमंग है, घर परिवार में हस्बैंड वाइफ खुश हैं आपस में, तो क्या होगा, ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा। ठीक है, हम कोई टीचर्स नहीं है, हम कुछ बड़ा नहीं किया हमने, हम तो अभी भी नतमस्तक हैं इस सिस्टम से, अपनी अपलाइन से, अपनी उन ग्रोइंग क्रॉस लाइन से जो यहाँ पे भी बैठी हैं, हम तो नतमस्तक हैं उन सबके लिए, क्योंकि हम तो मजा आ रहा है सीखने में, मजा आ रहा है, बट हमने कुछ बड़ा नहीं किया है, बट केवल केवल हमको ऐसा लगा कि जब 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 हम यूनाइटेड रहे, और शायद यही कारण बना कि हम कुछ कर पाए, क्योंकि हमारी टीम में हमारा प्रतिबिंब ही जाता है, हमारी रिफ्लेक्शन ही जाती है टीम के। एंड सेकंड थिंग, यू नो, मैं जो कहना चाहता हूं यहाँ पे, तो इस इज वेरी करेक्ट कि अगर, और लेडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है होम टीम में, क्योंकि अगर वो लेडी खुश है तो वो अपने पूरी फैमिली को खुश रखेगी, तो इसलिए लेडीज को बहुत संभाल के रहना है कि देखिए आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, यू शुड बी हैप्पी फ्रॉम योर हार्ट कि यस, है ना, कुछ ऊपर नीचे चीजें हो गई, कोई कुछ पैसा कम, कोई बात नहीं, यू नो मुझे याद है, यू नो कभी कोई मैं ग्लिस्टर छोड़ाई, पर अनुज ने मुझे कभी ये नहीं कहा, कह रहे तुमने ग्लिस्टर खो दिया, तुमने नुकसान कर दिया 250 रुपए का, क्योंकि अनुज को पता था कि एक दिन ग्लिस्टर, इतने सारे ग्लिस्टर निकलेंगे ना बिजनेस में कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, यू नो, सो बी पेशेंट, बी कूल, बी काम, राइट, और थोड़ा ध्यान दीजिए, बैठ के बात करिए हस्बैंड वाइफ, बैठ के बात करिए, यू नो कुछ चीजें अगर ऊपर नीचे हो रही है तो यू नो बैठ के रिजॉल्व करिए, और यू नो कोशिश करिए कि इस बिजनेस को लाइफ में एडजस्ट करने के लिए क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस की जरूरत है। अगर 2 से 2.5 घंटा सुबह 11 से 1, सभी लोग फ्री हो जाते हैं, जेंट्स जो ऑफिस जाते हैं वो 11 बजे तक ऑफिस में पहुंच करके थोड़ा बहुत जो इनिशियल काम होता है, तो मैं अक्सर किसी जेंट्स को अगर मुझे फोन करना है बिजनेस के लिए तो मैं 11 साढ़े 11 के बात करता हूँ, लेडीज जनरली शिवानी अक्सर 11 साढ़े 11 के बाद ही लेडीज को बात करना शुरू करते हैं, बिकॉज टिल द टाइम पीपल आर वो अपने घर के कामों में, तो अगर 11 से 1 के लिए आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी है तो हस्बैंड वाइफ बैठ के बात करिए, अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं, ये काम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, जब जब यू नो रजामंदी हो जाएगी परिवार के अंदर तो चीजें चलेंगी आगे, फिर यू नो फिर सही तेजी से आगे होगा काम। फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करते हैं, यू नो कोई भी बड़ा खर्चा, यू नो जो फिजिकल खर्ची है, यू नो हमको किसी को दिखाना तो है नहीं कुछ, तो क्योंकि जब 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 आएगा ऊपर वाला देगा तो अपने आप सब 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 सबको पता चलेगा, लेकिन जब हम स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जब हम बिल्डिंग फेज में हैं, तब कोई हमें ऐसा काम नहीं करना है, कोई हमें बड़ा खर्चा नहीं करना है जिससे हमको लगे अरे हमने क्या कर दिया, जो मेरा फोकस ले जाए, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है जो मेरा फोकस इस बिजनेस से दूर रहे। मैं क्यों मैं मेरे को मेरा जब भाई मेरा जब गाड़ी ठीक चल रहा है तो मैं क्यों सोचूं मेरे को नया कार लेना है, क्यों मैं कोई खर्चा पालूं अभी, क्योंकि अगर मैं कोई भी खर्चा पालूंगा तो फिर मेरा बिजनेस पे ध्यान हटेगा। ओके, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एंड देन लॉ ऑफ एवरेज की हमने बात कर ली, सोइंग एंड रीपिंग, आज मैं बो रहा हूँ और जब मैं जो मैं बो रहा हूँ उसका जो मैं फसल काटूंगा वो मल्टीपल्स में होगी, बीज तो मैं किलो में डालता हूँ
लेकिन फसल हमेशा क्विंटल्स में होती है। इसीलिए जब 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 बीज डाले जाते हैं तो बड़ा पेशेंस के साथ काम करते हैं हम। एक एक करके जो आप पौधा लगा रहे हैं ना, विश्वास कीजिए वो एक दिन जंगल बन जाएगा। जिन जिन लोगों को आप, परिवारों को आप संजो रहे हैं, जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, पारिवारिक रिश्तों को आप रिश्तेदारी जिन लोगों के साथ बना रहे हैं, विश्वास कीजिए वो आज एक परिवार दिख रहा है, वो एक पौधा दिख रहा है आज, लेकिन कल को वो पेड़ बन जाएगा और उस पेड़ से ना जाने कितने बीज निकलेंगे और ना जाने कितने जंगल बन जाएंगे। राइट, सो एंड डेवलप लॉन्ग टर्म मेंटालिटी, हमेशा दूर का सोच के काम करना है, केवल आज का सोच के काम नहीं करना है। आज काम करना है पैसे के लिए, आज भी हम काम कर रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म मेंटालिटी सोच, ऐसा होगा एक ये होगा एक, क्योंकि सब कुछ हमारी ऊर्जा से। लास्टली इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से काम करना। बड़ी अच्छी बात अपलाइन मिसेस ब्राज ने कही, वो लोग ग्रो करेंगे जो अपनी अपलाइन के प्रति अकाउंटेबल, डाउनलाइन के प्रति सब अकाउंटेबल है। जो था ना, डाउनलाइन ने बुलाया तो मैं कैसे ना देर कर दूं, लेकिन जीतेगा वो जो अपनी अपलाइन के प्रति अकाउंट, अपलाइन की बात को गिरने नहीं देना है मैंने, अपलाइन ने कहा है ना ये बात, गिरने नहीं दूंगा मैं। बस इफ यू ऑल यू नो, ये छोटी छोटी बातें हम अपने लाइफ में इम्बाइब करेंगे, इन बातों को हम अपने जीवन का असूल बना लेंगे और कुछ समय के लिए, और फिर इसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। जब उसूल बन जाएगा और एंजॉय करेंगे तो उमंग अपने आप आ जाएगी, तो उमंग अपने आप आ जाएगी। सो आई होप शायद हम यू नो आपको शायद कुछ दे पाए, यू नो, बट बिफोर आई एंड यू नो, हम टीचर्स नहीं है, वी आर नॉट टीचर्स, हम स्टूडेंट्स हैं। मेरा नाम अनुज है, अनुज का मतलब ही छोटा होता है, करेक्ट। अनुज इज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज यंगर, राइट। तो हमसे कोई अगर गलती हुई कोई शब्द के इधर उधर में तो दिल से माफी भी मांगेंगे, बट गौरव भाई जी का प्यार है हमारे लिए, गौरव डिपल जी ग्रेट कपल्स हैं, यू नो, कमल प्रिया दीदी, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, यू नो, फैंटास्टिक, यू नो, अपलाइन एलओएस में हमारे, महेश कपूर जी, अंजू दीदी की बात ही अलग है, एवर चार्मिंग कपल, ऑलवेज ऑलवेज रेडी टू सर्व पीपल। सो दिस टीम इज स्टुपेंडस, यस टीम जबरदस्त, सच बता रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे सारे फेसेस देख के मुझे ऐसा लगने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये टीम रॉक करने वाली। आई एम विद ब्रिटवर्ल्ड वाइट के में अंदर इस टीम से सबसे ज्यादा प्लैटिनम होने वाले। आई कैन सी इट, वी कैन सी इट वेरी क्लियर, राइट। सो विद दिस वी आर डन, एंड बिफोर वी यू नो क्लोज, चलते रहना है, चलते रहना है, अपने पर विश्वास करना है। सामने वाला जो कह रहा है वो जितनी उसको नॉलेज है, जितनी इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे वो अपनी चीजें बता रहा है, शेयर कर रहा है, बट मुझे देखना है मुझे कहाँ जाना है, मेरे को लाइफ में क्या चाहिए, मुझे क्या चीज आगे लेके जाएगी। एंड यू फील सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू नो, जब आप हर साल इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं, आपको दिवाली पर बोनस आता है, हर महीने मंथली कमीशन आता है, यू फील सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यू आर डूइंग समथिंग गुड, और आप लोगों के दिल से मदद करते हैं, यू नो, आप अपनी से लाइफ को चेंज करते हैं, पर कितने लोगों की लाइफ को एनहांस करते हैं, कितने लोगों की लाइफ को एनरिच करते हैं, एनलाइटन करते हैं, कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, लोग आपको थैंक यू करते हैं कि यस थैंक यू, आपके कारण मेरी लाइफ में अच्छी यू नो हेल्थ आई, मे बी वेल्थ आई, हैप्पीनेस आई, यू नो, सो यू हैव अ बिगर पावर इन योर हैंड्स, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। और हम आप सबको चाहते हैं कि सितंबर में नया साल स्टार्ट हो रहा है, डन डील है, यू नो, आज जो यहाँ नए लोग हैं अगर आज ही वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो बाकू अजरबैजान को आपने क्वालिफाई करना ही करना है, और रह भी जाएगा तो डन डील है, अभी से बोलना शुरू करो कि यस हम तो ग्रीस एथेंस तो जा ही रहे हैं, ग्रीस एथेंस तो जाना ही जाना है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, बात ही अलग है, ग्रीस तो इज अ वंडरफुल, यू नो, हम तो जैसा हमारे आंबे से बात होता है तो यू नो वो कह रहे हैं यू नो कि ग्रीस एथेंस इज गोना बी द बेस्ट ट्रिप एवर इन आंबे। यस यस, सो अभी 2021 में तो टर्की एंटीलिया है, यू नो, एंड 22 में आपका बाकू अजरबैजान है, ना, तो प्लान बनाइए कि यस हमको बाकू क्वालिफाई करना है, बट अगर आप प्लान बनाओगे बाकू अजरबैजान का तो ग्रीस तो आप क्वालिफाई कर ही लोगे,
नए लोगों से बात करो, तो आप उनको बोलो यस हम जा रहे हैं, आप बोलोगे जा रहे हैं जा रहे, लेकिन चले ही जाओगे आप, और आप किसी को कोई झूठ तो बोल नहीं रहे हो, अरे आप मेहनत कर रहे हो, आप भी चलो हम भी चलेंगे, है ना, हम साथ चलेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, यू नो दैट इज द स्पिरिट. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट.